रूही बसंत पंचमी त्योहार पर मंदिर में नाहर से बताई पूरी सच्चाई अग्नि का पर्दाफाश हो गया। रूही की बहन जूही नाहर को बताई सच। अचानक रूही क्यों चली आई थी मायके? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मनसुंदर टीवी सीरियल में हम लोग देखेंगे रूही की बहन जूही के लाख कहने के बाद दिल्ली से वापस घर लौट नाहर को सच बताने घर रूही जा ही रही होती है। तभी सोनी को बात सुन लेती है और घर नहीं जाती है, लेकिन नाहर को एक सवाल परेशान करके रख दिया है कि आखिर अचानक रूही घर से गई क्यों? दोस्तों, बसंत पंचमी त्योहार पर घर के सभी परिवार मंदिर जाने वाले होते हैं, वहां रूही भी गई होती है, जहां पर नाहर के पूछने पर वो सब कुछ बताने लगती है। इतने में वहां रूही की बहन जूही भी आ जाती है और अपने जीजू को सारी सच्चाई बता देती है। अग्नि की सच्चाई अपने मोबाइल से उसको दिखाती है, जिस पर नाहर हैरान रह जाता है। अपनी माँ की गलत फहमियों को दूर करने के लिए उस रिकॉर्डिंग को नाहर उन्हें दिखा देता है, जिसके बाद मंदिर से ही रूही को सोनी घर ले जाती है और दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अग्नि के पसीने पर पसीने छूटने लगते हैं, वो जान चुकी हैं अब उसकी खैर नहीं है। सोनी आंटी उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देती हैं। घर में सुख शांति भंग रूही के कारण से नहीं बल्कि इस अग्नि के वजह से हुआ था। दोस्तों, नाहर यह अच्छे से जानता था, रूही का कोई दोष नहीं होगा, उसने मेरा कसम खाया था, जरूर इस घर में ही उसके साथ किसी ने छल करके उसे घर से भेज दिया। लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद सोनी ने वापस रूही को घर में लाई।